हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग कनेक्टिंग टाउन्स नाम की एक प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये भी मैथमेटिक्स सेक्शन की एक प्रॉब्लम है हैकर रैंक पे। और इसमें ये कहा गया है कि सिटीज ऑन द मैप आर कनेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ रोड्स। द नंबर ऑफ रोड्स बिटवीन ई सिटी इज एन अरे एंड सिटी जीरो इज द स्टार्टिंग लोकेशन। द नंबर ऑफ रोड्स फ्रॉम सिटी जीरो टू सिटी वन इज द फर्स्ट वैल्यू इन द अरे। फ्रॉम सिटी वन टू सिटी टू इज द सेकेंड एंड सो ऑन सो फोर्थ। हाउ मेनी पाथ्स आर देयर फ्रॉम सिटी जीरो टू द लास्ट सिटी इन द लिस्ट। सो दिस हैज टू बी फाउंड विद द मॉड्यूलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हियर इट इज गिवन विद एन एग्जाम्पल कि अगर एन इज इक्वल टू 4 है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे चार टोटल सिटीज हैं, तो इनके बीच का जो रास्ता है, टोटल नंबर ऑफ रोड्स गिवन है 3, 4, 5, और 3 इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रोड्स बिटवीन वन सिटी वन एंड देन फ्रॉम सिटी टू इट इज 4 एंड देन सिटी थ्री इट इज 5। सो टोटल नंबर ऑफ रोड्स जो होंगी हमारी 3 × 4 × 5 होंगी ऑब्वियसली। एंड देन फाइनली वी हैव टू टेक द मॉड्यूलस विद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। द आंसर कम्स आउट टू 16। सो इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास बड़ी वैल्यूज गिवन है या हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ रोड्स हैं और हमें उनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते करते जो हमारी डेटा वैल्यूज हैं वो एक रेंज को क्रॉस करने लगेंगी या इंटीजर की रेंज को क्रॉस करने लगेंगी, उसको उसी रेंज में वापस लाने के लिए, क्योंकि तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि हमें मॉड्यूलस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेना है। तो जैसे जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते रहेंगे वैसे वैसे हम मॉड्यूलस भी लेते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर मान लीजिए कि जो रोड्स हैं वो ए बी सी और डी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करती हैं, तो जब हम ए इंटू बी कर रहे हैं तो इसके तुरंत बाद आप मॉड्यूलस ले लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से। इसके बाद जो आंसर अगर आपका आया है उसी आंसर लेट से या जो आंसर है वो एक्स में, तो इस एक्स आंसर में सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन उसके बाद अगेन इसका मॉड्यूलस ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं वैसे वैसे हमें मॉड्यूलस लेते हुए चलना है। लेट से एक और बार हमने इसको किया, वाई को डी से मल्टीप्लाई किया और जो भी हमारा आंसर आया इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से हमने मॉड्यूलस ले लिया। अभी आपको ऐसा दिख रहा होगा कि हमने ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया है, हालांकि ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं भी करेंगे तो जो एसोसिएटिविटी का रूल है उसके हिसाब से मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ही पहले फॉलो होगा एंड देन मॉड्यूलस ऑपरेशन फॉलो होगा। दोनों की जो प्रायरिटी है वो सेम है, इसलिए हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए इस ऑपरेशन को करेंगे। तो आई होप आप उसको समझ पाए होंगे कि हम इसमें किस तरह से मॉड्यूलस ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक एरे गिवन है। इस प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रॉब्लम में रूट्स नाम का एक एरे गिवन है जिसमें कि नंबर ऑफ पाथ्स होंगे। काउंट रूट काउंट का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ कितने पाथ्स होंगे, और यहाँ पे जो एन है वो ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सिटीज कितनी है। और हमारे पास या तो आप रूट काउंट से डायरेक्टली इसको चला लीजिए या एन माइनस वन से चला लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो अगर एन सिटीज हैं तो उनकी जो डिस उनके उनसे निकलने वाले जो पाथ्स हैं उनको एन माइनस वन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो 0 से लेके n-2 तक मेरे लिए एक वैलिड इंडेक्सेस होंगे इस रूट्स नाम के एरे में। हमने रूट्स नाम के एरे से पहली वैल्यू को पिक किया, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और वही हमारे लिए पाथ हो गया। एंड देन उसके बाद उसमें सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इंडेक्स 1 से, देन इंडेक्स 2 से, देन इंडेक्स 3 से, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये ग्रेजुअल या कंटिन्यूस मल्टीप्लीकेशन होगा, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से सेकंड, फर्स्ट सेकंड को थर्ड से, फर्स्ट सेकंड थर्ड को फोर्थ से, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसीलिए हमने एक पाथ नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसको 1 से इनिशलाइज कर लिया है। पहले पाथ से ही हम सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पाथ में ही स्टोर कर रहे हैं। जैसे जैसे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वैसे वैसे ही हम मॉड्यूलस ऑपरेशन भी परफॉर्म करते चल रहे हैं और फाइनली हम पार्ट्स को रिटर्न कर देंगे। यही इसका सोल्यूशन होगा। रन करके देख लेते हैं इसको और देख सकते हैं कि जो सैम्पल टेस्ट केस है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। एंड देन इसके बाद हमने सबमिट किया है इस प्रॉब्लम को। होपफुली इसके सारे टेस्ट केसेस सही रन करने चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि इसके सारे टेस्ट केसेस करेक्टली रन कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कम अगेन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।